बढ़े हैं 0 माइल की तरफ। 0 माइल की तरफ बढ़ के देख रहे हैं कि इधर क्या काम हो रहा है। भैया जी ही यहाँ पे सुसु कर रहे हैं। इधर देखिए कि इधर पियर कैप का फॉर्मेशन कोई कोई पिलर में हो चुका है। जैसे ये वाला पिलर देखिए अभी बेचारा बिना पियर कैप का है, बाकी सारे पिलर में आपको पियर कैप जो है वो नज़र आ रहा होगा। पिलर नंबर 125 के पास हम लोग हैं। और ये देखिए बड़ा सा क्रेन है, ये पियर कैप को उठा के शायद इस पर ही वो रखता है, ज्वाइंट करवाता है। यही मशीन से शायद रखाता हो, कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, शायद ही बोल सकते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत सारा चक्का लगा हुआ है, शायद इससे रखाता हो। और इधर भी देखिए कि ट्रांसपोर्ट नगर के पास पिलर नंबर 129 और पियर कैप जबरदस्त जो है वो लगा हुआ है। और ये देखिए 0 माइल के करीब आ गए हैं। आपको उधर 0 माइल दिख रहा होगा, 0 माइल के बाद भी आपको पिलर दिख रहा होगा, 2-3 पिलर। और यहाँ पे पिलर फॉर्मेशन किया जा रहा है, देखिए कि कितना सारा पिलर है, 12 पिलर मेरे को दिख रहा है। ये सारा कंक्रीट वाला पिलर है, फिर इसको खोद के उस तरीके से कर दिया जाएगा। जैसे उस साइड आपको दिख रहा है खोदा हुआ पिलर, उसी तरीके से ये वाला को भी खोद दिया जाएगा। और वो जो आप देख रहे हैं उसी तरीके का शेप ये भी लेने वाला है। और वो देखिए वहाँ पे भी स्क्वायर पिलर बन रहा है, और उसके बाद भी एक पिलर बनाने की योजना जो है वो चल रही है। ये सब बेस है, ये सब बेस इसको कहते हैं, सब बेस बनाया जा रहा है, सब बेस है। और वो जो पिलर आप देख रहे हैं उस तरीके का हो जाएगा, यहाँ पे भी सब बेस बन के रेडी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे बेस वाला ही पिलर जो है वो होता है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे बेस पहले तैयार होता है, उसके बाद जो है वो पिलर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक देखिए 0 माइल तक क्या काम हो रहा है। 0 माइल के पास एक स्टेशन होने वाला है, क्योंकि लगभग 15 पिलर जो है वो स्क्वायर शेप में मेरे को दिखा। स्क्वायर शेप का पिलर समझिए कि आपका पटना मेट्रो स्टेशन का पिलर है, क्योंकि स्क्वायर शेप में पटना मेट्रो नहीं चलता है, पटना मेट्रो गोल वाला पिलर में चलता है। कोई भी मेट्रो हो, पटना मेट्रो नहीं, कोई भी मेट्रो गोल वाला पिलर पे चलता है। तो चलिए वीडियो को जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। तो ये देखिए कि फ्लाईओवर के ऊपर से आपको अपडेट दे रहे हैं, और उधर देखिए कि वहाँ से फिर थोड़ा सा पिलर का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ मुड़ गया है। ट्रांसपोर्ट नगर का वो मेन रोड है, शायद वहाँ पर अंडरग्राउंड बन जाए। और यहाँ पर देखिए पिलर जो है वो पियर कैप के साथ तैयार है। ये पिलर इसका फ्रेमिंग हो चुका है, ये फ्रेम खुल जाएगा, पिलर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला पिलर जिस तरीके से दिख रहा है, यही वो ये पिलर भी उस तरीके से दिखने लगेगा। और नीचे में देखिए कि सारे भाई लोग जो हैं वो अपना काम में लगे हुए हैं, क्योंकि 2024 भाई साहब कंप्लीट करना है यार पटना मेट्रो। और यहाँ पे आपको स्क्वायर पिलर दिख रहा होगा नीचे में, वो स्क्वायर और लगातार 10 पिलर स्क्वायर दिख रहा होगा। तो ये रीज़न है स्क्वायर पिलर का कि यहाँ पे एक स्टेशन बनाया जाएगा। जहाँ आपको स्क्वायर पिलर दिखे तो समझिए कि इधर स्टेशन बनाने का काम होगा। देखिए इधर पिलर का साइज भी मैटर करता है, छोटा हो गया है ये पिलर, बड़ा है ये पिलर, छोटा है। तो समझ जाइए कि स्टेशन बनेगा इधर जहाँ पे स्क्वायर पिलर है, और 1, 2, 3, 4 स्क्वायर पिलर जो है वो बन के पूरी तरीके से रेडी है। और आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे 0 माइल के पास, और काम देखिए भाई साहब, ठक ठक पूरा सरिया बनाया जा रहा है, पूरा छड़ काटा जा रहा है, A to Z वर्क जो है वो किया जा रहा है। सुबह के बज रहे हैं 11:30, और काम देखिए कि ज़बरदस्त हो रहा है। छड़ मोड़ने का काम, सरिया बनाने का काम, A to Z काम जो है वो पटना मेट्रो के वर्कर्स भाई लोग कर रहे हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक जो छड़ जो है वो मोड़ने की मशीन रहती है, क्योंकि वर्क जो है वो बड़ा है, घर वाला वर्क नहीं है कि हाथ से मोड़ दिए, रॉड लगा के मोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए कि क्या ज़बरदस्त जो वाला काम पटना मेट्रो का इधर जो है वो किया जा रहा है। ये पिलर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी स्क्वायर पिलर है, इस पर भी स्टेशन का पिलर है ये भी, और वो वाला पिलर जो देख रहे हैं वो भी जो है वो स्टेशन का ही पिलर है।